तो जैसे कि गाइस मैं आप सभी लोगों को बोला था कि हमारे गेम के फाइल के अंदर नेक्स्ट इवो वर्ल्ड का ऑफिशियल बैनर आ जाएगा, तब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट इवो वर्ल्ड का पूरा रिव्यू शेयर कर दूंगा। तो फाइनली यहां पर नेक्स्ट इवो वर्ल्ड का ऑफिशियल बैनर निकल कर आ चुका है, तो मैं आप लोगों को आज के वीडियो के अंदर नेक्स्ट इवो वर्ल्ड का तो पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा ही दूंगा। इसी के साथ में भाई हमारा जो नरूटो का कोलाबेशन आने वाले ना, उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी अपडेट्स मेरे पास आई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई हमारा जो अक्टूबर मंथ का इवो वर्ल्ड इवेंट है, उसका एंडिंग सून बैनर आप लोग देख लो, ये आप लोगों को गेम के अंदर बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। फिर हमारा जो नवंबर मंथ का इवो वर्ल्ड इवेंट आने वाला है, उसका ऑफिशियल पोस्टर देख सकते हो, ये हमारे नेक्स्ट इवो वर्ल्ड का ऑफिशियल बैनर है, जो कि गेम की फाइल के अंदर से मुझे कल रात ही मिल चुका था। अगर आप लोग व्हाट्सएप चैनल के अंदर ज्वाइन हो गए तो आप लोगों को पता होगा, मैं कल आप लोगों को रात को बताया दिया था कि भाई आप लोगों को AK-47 यहां पर नेक्स्ट इवो वर्ल्ड के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो जैसे मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ, यहाँ पर AK-47 आप लोगों को मिलेगा, M4A1 का स्किन आने वाला है। जी हाँ भाई, M4A1 का स्किन, AK-47 का स्किन और दो इवो गन आप लोगों को अभी जो अक्टूबर मंथ का इवो वोल्ट है वहां पर मिल जाती है, N94 और MP5, वो दोनों एज इट इज रहने वाली है, वो आप लोगों को वैसे की वैसे मिलेगी। न्यू गन के अंदर M4A1 और डेको AK हमारा यहाँ पर आने वाला है। तो भाई ये हमारा 100% इवो वर्ल्ड इवेंट है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा नवंबर मंथ के अंदर, 2 नवंबर को चेंज होगा। कैसा लगा आप लोगों को हमारा नेक्स्ट इवो वर्ल्ड इवेंट, कमेंट करके मुझे आप लोग जरूर बता देना। बाकी गाइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अंदर से कि इवो वर्ल्ड इवेंट के अंदर कुछ चेंजेस हो सकता है, क्योंकि भाई देखो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हर इवो वर्ल्ड इवेंट के अंदर दो शॉर्ट रेंज आती है, दो लॉन्ग रेंज आती है, लेकिन जो नवंबर मंथ का इवो वोल्ट है वहां पर 3 लॉन्ग रेंज है, M4A1, AK और N94 और MP5 अकेली यहां पर शॉर्ट रेंज की है। तो भाई मुझे अंदर से ऐसा लगता है, बाकी अभी ये तो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, बैनर तो निकल कर आ चुका है, लेकिन गाइज अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस के अंदर बता दूंगा। बाकी यही है हमारा नेक्स्ट इवो वर्ल्ड इवेंट, 2 नवंबर को जो मैं आप लोगों को आगे रिव्यू कराया वो इवो वर्ल्ड आप लोगों को मिल जाएगा। तो 1 से 10 के बीच में रेटिंग करके आप लोग मुझे बता देना कि हमारा नेक्स्ट इवो वर्ल्ड इवेंट आप लोगों को कैसा लगा। बाय द वे चलिए गाइस यहां पे वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अभी मैं आप लोगों को नरूटो कोलैबोरेशन के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आई है सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ धीरे धीरे। तो भाई यहाँ पर जो पहला कैरेक्टर आने वाले नरूटो स्पेशल, उसका यहाँ पर नाम कुछ है जुत्सु ऐसा, मतलब आप लोगों को पता होगा नरूटो के अंदर जुत्सु आते, तो जुत्सु करके यहां पर एक मतलब क्या बोलते हैं कि कैरेक्टर आने वाले। अब नाम यहां पर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ये नोट्स निकल कर आई है, तो यहां पर नाम अभी क्लियर नहीं होता। तो जुत्सु करके आप लोगों को कैरेक्टर मिलेगा, इसका स्किल यहां पर रहेगा रिप्लेसमेंट जुत्सु, मतलब कि भाई देखो मुझे इसका स्किल ना थोड़ा बहुत लगता है यहां पर हमारे सेंटिनो के जैसा, मतलब कि भाई देखो एक एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। हमारे एडवांस सर्वर के अंदर ये कैरेक्टर आया था, जिसको गाइस आप लोग यहां पर मार्क लगाओगे तो वहां पर आप लोगों का कैरेक्टर है ना वो टेलीपोर्ट हो जाएगा, मतलब किधर भी आप लोग टेलीपोर्ट हो सकोगे, ग्लू वॉल के आर पार, दीवाल के आर पार, कहीं पर भी आप लोगों को मतलब टेलीपोर्ट होना है तो आप लोग एम लगाओ एंड आप लोगों का जो टेलीपोर्ट का मतलब कैरेक्टर का जो स्किल है उसको एक्टिव करो तो आप लोग कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकोगे। तो ये जो यहाँ पर कैरेक्टर है ये आ सकता है नरूटो स्पेशल, एंड इसका नाम कुछ अलग होगा, अभी तो यहाँ पर जुत्सु बताया गया है नोट्स के अंदर, लेकिन नाम कुछ अलग आएगा तो जैसे यहाँ पर एडवांस सर्वर आ जाएगा मैं आप लोगों को नाम भी बता दूंगा। लेकिन अभी यहां पर ये कैरेक्टर आने वाला है नरूटो स्पेशल, जिसका स्किल का नाम रहेगा रिप्लेसमेंट जुत्सु। तो आप लोगों को कैरेक्टर का मैं बता दिया। इसके बाद में यहां पर बंडस, जो कि काफी प्लेयर्स को अभी मतलब जानना है कि भाई कौन कौन से बंडस आएंगे, तो भाई यहां पर 5 बंडल गेम के अंदर आने वाले नरूटो का, यहां पर इवो बंडल आप लोग बोलो इवो बंडल या फिर लुक चेंजर बंडल जो भी बोलो, लेजेंडरी बंडल यहां पर नरूटो स्पेशल आने वाला है। फिर सास्के का बंडल आएगा, जी हां भाई सास्के का बंडल भी आएगा, सकुरा का बंडल आएगा, जो कि भाई सिर्फ मुझे लगता है कि यहां पर कुछ ही बंदे निकालेंगे, क्योंकि मोस्ट हेटेड जो यहाँ पर कोई कैरेक्टर होगा नरूटो के अंदर तो वो सकुरा है, तो सकुरा का बंडल आएगा। जिराया सेंसे का बंडल आने वाला है, जी हाँ भाई जिराया का बंडल भी आएगा, लेकिन भाई वो आप लोगों को पैसों से नहीं निकालना पड़ेगा, वो आप लोगों को एकदम ही फ्री में मिलेगा। जी हाँ गाइस जिराया सेंसे का बंडल हम सभी लोगों को बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा। ककाशी का भी बंडल आने वाला है, ककाशी सेंसे का भी बंडल आएगा। तो भाई ये यहाँ पर 5-6 बंडल आने वाले जो कि आप लोगों को नरूटो स्पेशल देखने को मिलेंगे। बाकी भाई देखो यहाँ पर मैं कसम से बताऊँ, मुझे इंतजार था ओबिटो बंडल का, ओबिटो बंडल के लिए गाइस मैं बहुत ही एक्साइटेड था। अगर ओबिटो का बंडल आता ना तो भाई नरूटो बंडल को छोड़कर मैं ओबिटो का बंडल निकालता, इतना मुझे यहाँ पर ओबिटो मतलब पसंद है भाई, तरीके से बोल सकते हो कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर है नरूटो के अंदर।
तो भाई यहाँ पर क्या कर सकते भाई, मेरा इसमें कुछ नहीं चलता तो ओबीटो बंडल नहीं आएगा, लेकिन हाँ उसका मास्क आप लोगों को जरूर मिलेगा, वन आई वाला मास्क आप लोगों को पता होगा, जब भी उसने नाइन टेल का अटैक करवाया था हिडन लीफ में, तो भाई वो जो मास्क है ना वो मास्क आप लोगों को मिलेगा, तो उसके पीछे तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर डायमंड वेस्ट करूंगा, तो मास्क आप लोगों को मिल जाएगा ओबीटो का। एंड ऐसी कुछ आइटम्स भी यहाँ पर आने वाली नरूटो स्पेशल, मतलब कि हर कैरेक्टर की अलग अलग आइटम्स आएगी, जो हिडन लीफ का यहाँ पर जो क्या बोलते वो क्या भाई सिर में पहनते उसको क्या बोलते भाई भूल गया मैं, तो भाई वो जो बैंड है ना, बैंड बोलते शायद उसको, तो वो मतलब सिर के ऊपर पहनता है नरूटो, तो भाई वो आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर। आप लोगों को ऑलरेडी नाइफ का स्किन मिल चुका है, फिर भाई और भी बहुत सारी यहाँ पर कॉस्ट्यूम वगैरह जो यहाँ पर मतलब सारे हिडन लिव वाले जो मतलब शिनोबी पहनते हैं वो कॉस्ट्यूम आप लोगों को मिलेगा। एंड और भी बहुत सारे ऐसे आइटम्स आने वाली है, मैं आप लोगों को आगे सभी आइटम्स का नाम दिखाऊंगा, अभी रिव्यू गेम की फाइल के अंदर अभी तक ऐड नहीं हुआ है, लेकिन हाँ यहाँ पर मैं नाम आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा। तो अभी गाइस यहाँ पर आप लोगों को मैं बंडल्स दिखा दिया, इसके बाद में यहाँ पर हमारे गेम के ऊपर नरूटो स्पेशल न्यू मैप भी आने वाले, जी हाँ भाई न्यू मैप भी आप लोगों को मिलेगा, जिसका नाम मुझे यहाँ पर मेरे ओपिनियन से लग रहा है तो हिडन लीफ ऐसा मतलब मैप का नाम हो सकता है, अलग से मैप आएगा, तो वहां पर गाइज आप लोगों को मतलब जो हिडन लीफ का मतलब सारा मतलब क्या बोलते जो मैप है ना वैसा ही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मतलब कि यहाँ पर आप लोगों को सारे हाउसेज वैसे देखने को मिलेंगे जैसे नरूटो एनिमी के अंदर आते हैं। एंड आप लोगों को यहाँ पर जो पहाड़ होता है वहाँ पर होकागे के फेसेस देखने को मिलते हैं, तो होकागे के फेसेस भी आप लोगों को मिलेंगे, तो इस टाइप से भाई यहाँ पर हमारा न्यू मैप आप लोगों को मिलेगा। एंड वो मैप के अंदर गाइस यहाँ पर नाइन टेल का अटैक होने वाला है, जी हाँ भाई यहाँ पर हमारा नाइन टेल फॉक्स का अटैक होगा, आप लोगों को पता होगा नरूटो का वो मतलब जिनचुरी की है, तो भाई वो अटैक करेगा एंड उससे आप लोगों को बचना है, ऐसा यहाँ पर मिशन आने वाले नरूटो स्पेशल, तो वो जो मिशन आएगा ना उसको आप लोग कंप्लीट करोगे तो उसके बदले में आप लोगों को शायद यहाँ पर टोकन मिलेगा। अभी गाइस देखो एक एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊँ तो आप लोगों को पता होगा इससे पहले के अपडेट के अंदर आप लोगों को एक ज़ॉम्बी देखने को मिला था गेम के अंदर, उसको मार के आप लोगों को कुछ लूट्स मिलती थी, तो वैसा ही यहाँ पर सीन हो सकता है। एंड पबजी के अंदर आप लोगों ने काफी बार देखा होगा ऐसे मतलब जो मिशन वगैरह है वो आते रहते, तो भाई नाइन टेल यहाँ पर आने वाले बरमुडा मैप के अंदर, जिससे आप लोगों को बचना है एंड उसको आप लोगों को यहाँ पर मतलब किल करना है, एक तरीके से बोलूं तो नाइन टेल को आप लोगों को किल करना है, उसके बदले में आप लोगों को यहाँ पर रिवर्स मिलेंगे। एंड भाई उसी रिवर्स से उसी टोकन से आप लोग हमारा जीरा या सेंसे का जो बंडल है उसको एक्सचेंज कर सकोगे। एंड इसी दौरान गैस जब भी आप लोग यहाँ पर ये मिशन कंप्लीट कर रहे होगे ना बरमुडा मैप के अंदर, तो भाई आप लोगों को मशरूम के जैसे ही इचिराकू रामेन्स भी देखने को मिलेंगे। अभी नरूटो के जो फैन होंगे उनको तो पता होगा इचिराकू रामेन्स किसको बोलते हैं, नूडल्स यहाँ पर एक नूडल्स का नाम है जो कि नरूटो बहुत ही ज्यादा खाता है एनिमे के अंदर, तो भाई इचिराकू रामेन्स भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे, जिससे आप लोगों को यहाँ पर सेकेंड 2 HP या फिर EP मिलने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पर अपडेट मिला है, तो आप लोगों को ये इचिराकू रामेन्स भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा भाई यहाँ पर मेरे को एक इमोट का पता चला है, सुपर इमोट, जिससे गाइस यहाँ पर आप लोग गामा बुंटा को समन कर सकोगे, इसका मुझे यहाँ पर अभी तक कुछ आइडिया नहीं आया कि ये क्या होगा, बट हाँ आप लोगों को कुछ इमोट्स वगैरह देखने को मिल सकता है या फिर ये लोबी ट्री हो सकता है यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है, तो गामा बुंटा का आप लोगों को लोबी ट्री देखने को मिलेगा, जिसके अंदर से अभी आप लोगों को पता होगा जैसे बुया डे स्पेशल आ रहा है, दिवाली स्पेशल आप लोगों को लोबी ट्री मिलते हैं, तो गामा बुंटा का आप लोगों को लोबी ट्री मिलेगा अगर इमोट आता है, तो भाई काफी कमाल का रहेगा, यहाँ पर जैसे नरूटो समन करता है वैसा गाइस आप लोगों को यहाँ पर मतलब समन एक इमोट देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग जो गामा बुंटा है आप लोगों को पता होगा गामा बुंटा किसे कहते हैं, फ्रॉग आता है नरूटो के अंदर, तो उसको यहाँ पर आप लोग समन कर सकोगे, ऐसा इमोट हमारे गेम के ऊपर आने वाला है, या फिर जैसे मैं आप लोगों को बोला कि आप लोगों को ऐसा लोबी ट्री भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद में गाइस यहाँ पर टाइम लिमिट के लिए नरूटो स्पेशल कुछ आइटम्स को गेम के अंदर दिया जाएगा, कौन कौन सी आने वाली है सब कुछ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, काफी सारी शॉप आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ये आइलैंड के अंदर भी आ सकती है, मतलब कि ट्रेनिंग ग्राउंड है वहां पर भी आ सकती है, एंड मैप के अंदर भी कुछ आप लोगों को इसमें से आइटम देखने को मिलेगी, तो ये टाइम लिमिट के लिए आएगी, जब तक नरूटो का कोलैबोरेशन रहेगा तब तक ये आइटम्स गेम के अंदर आएगी। फिर यहाँ पर कुछ अपकमिंग इमोट्स आने वाले OB47 के, इसके अंदर से कुछ नरूटो के इमोट भी है एंड कुछ यहाँ पर अदर कोलैबोरेशन के इमोट भी है, तो आप लोग सारे इमोट के नाम यहाँ पर पढ़ सकते हो।
रिव्यू में आप लोगों को जैसे बोला कि एडवांस सर्वर आ जाएगा तो रिव्यू आप लोगों को करा दूंगा। इसके बाद में गाइस यहां पर आप लोग ग्लोवल के स्किन के नाम पढ़ सकते हो, ये सारी ग्लोवल के स्किन के नाम है। OB47 अपडेट के अंदर जो वेपन की स्किन आने वाली है वो वेपन की स्किन भी आप लोग यहां पर देख नाम पढ़ सकते हो अभी सिर्फ, तो ये नाम आप लोगों को वेपन की स्किन के देखने को मिलेगी। व्हीकल की स्किन के भी आप लोग नाम पढ़ सकते हो। इसके अलावा यहां पर कुछ टोकन्स आने वाले, नरूटो के टोकन्स आप लोगों को मिल जाएंगे इसके अंदर से, अदर कुछ टोकन्स है जिनका यूज आप लोग लकरवेल के अंदर एंड रिंग इवेंट के अंदर कर सकोगे। इसके बाद में यहां पर लास्ट में आते हैं कुछ अवतार्स, तो ये अवतार्स आप लोगों को मिल जाएंगे यहां पर। और भी बहुत सारी आइटम्स आने वाली है लेकिन एडवांस सर्वर तक वेट कर लीजिए, एडवांस सर्वर ओपन हो जाएगा तो मैं आप लोगों को यहां पर सभी आइटम्स का रिव्यू भी करा दूंगा। उसके लिए बस आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अभी है सिर्फ मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आई थी नरूटो कोलैबोरेशन को लेकर, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं आप लोगों को बता दिया। बाकी गाइस यहां पर हमारे गेम के ऊपर कुछ न्यू आइटम्स आने वाली है हिप्पो के थीम पर, उनका भी मैं आप लोगों को रिव्यू करा देता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ग्लोवल का स्किन देखने को मिलेगा जो कि काफी कमाल का आप लोगों को मिल जाएगा। यहां पर अवतार बैनर्स आप लोगों को मिल जाएंगे एंड लास्ट में आप लोगों को यहां पर एक पायजामा देखने को मिलेगा, इसका भी आप लोग यहां पर रिव्यू देख सकते हो। ये हमारे गेम के फाइल के अंदर इसी अपडेट के अंदर एड हुई है, तो आप लोगों को ये अपडेट एंड होने से पहले पहले ये आइटम्स का कोई ना कोई इवेंट देखने को मिलेगा। फेडेड विल हो सकता है, मोको स्टोर हो सकता है या फिर रिंग इवेंट भी हो सकता है। किसी भी इवेंट के अंदर ये जो हिप्पो की थीम आइटम्स है इनको गेम के अंदर दिया जाएगा, तो आप लोग इसके लिए एक्साइटेड हो के नहीं हो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। बाकी आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम लोग हमारे गेम के ऊपर बात कर लेते एक न्यू इमोट के आने वाले इवेंट की। तो गाइज अभी हमारे गेम के ऊपर आप लोगों को पता होगा मेजी क्यूब का गिव वे चल रहा है, तो वैसे ही भाई जो दिवाली का लास्ट गिव वे है ना वो आप लोगों को 31 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक देखने को मिलेगा। तो भाई यहां पर आप लोगों को 5 नहीं तो 7 नवंबर को ये वाला जो इमोट आप लोग देख रहे हो इसका मोको स्टोर नहीं तो फेडेड विल इवेंट आप लोगों को यहां पर नजर आ सकता है। तो जी हां भाई अभी तक ऑफिशियल पोस्टर तो लीक नहीं हुआ है लेकिन हां मुझे जहां तक इसका प्रेडिक्शन डेट लग रहा है तो 5 से 7 नवंबर तक आप लोगों को इसका मोको स्टोर नहीं तो फेडेड विल इवेंट गेम के अंदर नजर आ सकता है। बाकी आप लोग इसके लिए एक्साइटेड हो के नहीं हो मुझे आप लोग कमेंट करके बता देना। तो ये इमोट अगर आप लोगों को चाहिए तो जैसे इसका गिव वे खत्म होगा 3 नवंबर को, इसके बाद में इसका जो इवेंट है वो गेम के अंदर आ जाएगा, वहां से आप लोग इसको परमानेंट निकाल सकोगे। अगर गिव वे के अंदर आप लोगों को मतलब नहीं मिलता ये वाला इमोट तो आप लोग इसको इवेंट से परमानेंट भी यहाँ पर डायमंड वेस्ट करके निकाल सकोगे। बाकी आइए गाइस यहाँ पर वीडियो में लास्ट में बात कर लेते हम लोग हमारे नेक्स्ट BR रैंक सीजन के रिवर्स की। तो भाई यहाँ पर डायमंड रैंक पर आप लोग आओगे तो आप लोगों को M1040 का स्किन देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर हीरोइक पर आओगे तो हीरोइक का आप लोगों को काफी कमाल का एक टी शर्ट देखने को मिलेगा जो कि हमारा नवंबर मंथ का बुया पास है उसके थीम पर रहेगा। फिर भाई यहाँ पर हीरोइक के अवतार बैनर्स आते हैं जैसे आप लोगों को हर बार मिलते हैं। इलाइट हीरोइक पर आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को बेट का स्किन मिलेगा जो कि दिखने में कुछ इस तरह का रहेगा। मास्टर पर आओगे तो मास्टर के अवतार बैनर्स आप लोगों को मिलेंगे, इनका भी रिव्यू आप लोग देख लो। फिर इलाइट मास्टर पर आओगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक वॉइस देखने को मिलेगा जो कि आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो इस टाइप के गाइस यहाँ पर कुछ आइटम्स आने वाले हैं जो कि हमारा नेक्स्ट BR रैंक सीजन रहेगा जो कि आप लोगों को पता होगा 1 नवंबर को चेंज होगा, तो वहां पर ये सारी जो आइटम्स है इनको आप लोग बिल्कुल ही फ्री में क्लेम कर सकोगे। तो ये था गाइज हमारा आज का वीडियो, अभी कमेंट करके मुझे बताओ कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो काफी कमाल का लगा होगा। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब अभी तक नहीं कराए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एंड उसी के साथ में बाजू वाला बेल नोटिफिकेशन है उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरे आने वाले कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना कर सको। बाकी आज की वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।